أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ اخلاص جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، میں اپنی ذات کا تعارف کرایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا تعارف مختلف طریقوں سے کیا ہے، جیسے الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے، الرحمن الرحیم جو رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین جو یوم حساب کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ نے خود یہ بھی فرمایا ہے کہ انسان ناقابل تذکرہ شے تھا، ونفخت فی من روحی، ہم نے اس کے اندر اپنی روح میں سے ڈال دیا اور انسان حرکت کرنے لگا. یہ بھی تعارف ہے، نان اقرب الی من حبل الورید، کہ میں تم سے دور نہیں ہوں، تمہاری رگ جان سے زیادہ قریب. اللہ انہو بکل شیء محیط، کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے ہر چیز کو احاطہ کیا ہے، یعنی ہر چیز اللہ کے علم ہے اور ہر چیز اللہ کی صفات کے خول میں بند ہے. اللہ تعالیٰ اپنے تعارف کے سلسلے میں یہ بھی فرماتے ہیں، هو الاول هو الاخر هو الظاہر هو الباطن، وہی ابتدا ہے وہی انتہا ہے، وہی ظاہر ہے وہی باطن. اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو تم کرتے ہو وہ میں جانتا ہوں، جو کچھ چھپاتے ہو میں دیکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنے تعارف کے سلسلے میں بھی فرماتے ہیں کہ جہاں تم ایک ہو وہاں میں دوسرا ہوں، اور جہاں تم دو ہو میں تیسرا ہوں. اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ زمین آسمان اور اس کے اندر جو کچھ ہے سب کا سب تمہارے لیے مسخر کر دیا، لیکن یہ جو سورہ اخلاص ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ذاتی تعارف بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجیے کہ اللہ ایک ہے، یکتا ہے، واحد ہے، ایسا یکتا ایسا واحد جس کو لفظ ایک میں بھی بیان نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ ایک جہاں ہوگا وہاں دوسرا ضرور ہوگا. ایک کا مطلب یہ ہے کہ دو تین چار پانچ، یہ مجبوری ہے کہ ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے کہ اللہ اللہ احد اللہ یکتا ہے، ایسا اللہ کہ جو مخلوق کی تمام صفات سے اور مخلوق کے تمام تعریفوں سے بالا اور بلند مرتبہ. قل هو الله احد، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے کہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ وہ ذات ہے
जिसको किसी किस्म की कोई एहतियाज नहीं है, वो किसी चीज का मोहताज नहीं। लम यरिद वलम यूलद, न उसने किसी को पैदा किया और न वो किसी से पैदा हुआ। वलम यकुन लहू कुफुवन अहद, और उसका कोई कुफ खानदान भी नहीं। अल्लाह ताला ने अपना तारुफ बयान किया है खाल बहैसियत खालिक, बहैसियत खालिक के अल्लाह ताला ने अपना जो तारुफ बयान किया है। अब हम कोशिश करते हैं कि मखलूक की तारीफ क्या है। अल्लाह ने तो अपनी तारीफ बयान कर दी, मखलूक की तारीफ अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं एक हूं, मखलूक एक नहीं होती। मखलूक का कसरत होना जरूरी है। मखलूक का मतलब ही है कि कसरत हो, बेशुमार इंसान हो, बेशुमार परिंदे हो, बेशुमार चौपाए हो, बेशुमार दरख्त हो। मखलूक की तारीफ यह है कि वो पैदा भी होती है और किसी को पैदा भी करती है। मसलन ये कि मखलूक के लिए जरूरी है कि वो उसका कोई माँ भी हो, उसका कोई बाप भी हो, और ये भी है कि वो जो आज माँ और बाप बना है कल को उससे पैदा होने वाले लोग भी माँ बाप बने। मतलब ये वो किसी से पैदा होती है और किसी को पैदा करते, ये एक मखलूक की मजबूरी है। इसके बगैर मखलूक का रसूल वलम यकुन लहु कुफुवन अहद, और मखलूक का खानदान भी होता है, बगैर खानदान के मखलूक नहीं। आपने देखा होगा कि एक जगह बकरियां बैठी हैं, एक जगह भेड़ बैठे हैं, एक जगह गायें बैठी। तो अब इधर से कुछ गायें आई, कुछ बकरी आई, कुछ भेड़े आई, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि गायें बकरियों में जाके बैठ जाएं और बकरियां गायों में जाके बैठ जाएं, गायें गाय में बैठेंगी, बकरी बकरी में बैठेंगी, भेड़ भेड़ में बैठेंगी। ये हमारा ऐसा मुशाहिदा है कि हम इसको किसी भी तरह नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो इसका मतलब यह कि खानदान का होना जरूरी है, और हर मखलूक अपने खानदान को पहचानती है। मतलब भेड़ अपने खानदान को पहचानती है, घोड़ा अपने खानदान को पहचानता है, कबूतर अपने खानदान को। आपने कभी नहीं देखा होगा कि वे कबूतरों के साथ बैठे हों, कबूतर कौवों के साथ बैठे हों, हालांकि दोनों पर ही दोनों के दो पर हैं, दोनों के दो पंजे हैं। तो ये खानदान मजबूरी है, खानदान होना मखलूक के लिए एक मजबूरी है। अब देखिए अल्लाह ताला ने अपनी पांच सिफात इस सूरत में बयान की है। अल्लाह एक है, कसरत नहीं होता, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं और ना उसे कोई जरूरत पेश आती है। अल्लाह ना किसी का बेटा है, ना अल्लाह किसी का बाप है, और ना ही अल्लाह का कोई खाता। ये अल्लाह ताला ने जो अपनी जाती तारुफ कराया है उसमें तलाश ये करना है क्या मखलूक और खालिक में कोई ऐसी एजेंसी मौजूद है जिस एजेंसी के जरिए मखलूक का अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक कायम हो सके, जिस एजेंसी के साथ मखलूक खालिक से इतनी करीब हो जाए कि खालिक और मखलूक का एक रिश्ता कायम हो जाए, खालिक मखलूक को पहचान ले और मखलूक खालिक को पहचान ले। अब इस सूरत मुबारक की आयतों को पढ़कर आप देखें कि मखलूक वाहिद नहीं हो सकती, यकता नहीं हो सकती, कसरत होना जरूरी है। मखलूक के लिए जरूरी है वो किसी का बाप हो या किसी का बेटा हो, मखलूक के लिए जरूरी है उसका कोई खानदान हो। अब एक एजेंसी अल्लाह ताला फरमाई अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है और अल्लाह किसी किस्म के वसाइल का मोहताज नहीं।
जबकि बंदा वसाइल के बगैर जिंदगी नहीं रह सकता, हर हर कदम पर वसाइल का मोहताज, हवा, पानी, गैसेस, धूप, गिजा, इंसान या कोई भी मखलूक इस कदर मोहताज है वसाइल की कि वसाइल के बगैर उसकी जिंदगी जो है वो काबिले तस्करा नहीं, वो जिंदा रह नहीं सकता। अब अल्लाह ताला फरमाते अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह किसी किस्म की एहतियात नहीं रखता, लेकिन साथ साथ अल्लाह ताला ही फरमाते अला इन्नहु बिकुल्लि शैइन मुहीत कि हर चीज को अल्लाह ने आहद इन अल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, हर चीज पर अल्लाह कादिर। तो ये हर चीज को अल्लाह ने अहाता किया हुआ का मतलब ये है कि जितने वसाइल अल्लाह ने मखलूक के लिए पैदा किए हैं उन सब पर अल्लाह का कंट्रोल है, अल्लाह का होल्ड है। मसलन अगर जमीन ना होती, अल्लाह जमीन ना बनाता, तो गिजाई जरूरियात जमीन से पैदा ना होती। गिजाई जमीन जरूरियात जमीन उगा देती थी, सूरज ना होता तो खेतियां पकती नहीं, खेतियां पक भी जाती, चांद ना होता तो उसमें शीरीनी और हरावत पैदा होती, गैसेज ना होती तो इंसान वैसे ही दम घुट के मर जाता। तो अल्लाह वो है जिसने वसाइल पैदा किए, जबकि वो वसाइल का मोहताज नहीं है, मखलूक वसाइल के मोहताज है। तो अल्लाह ने ये अपनी जो पांच तारीफें बयान की हैं, इन पांच में चार में तो मखलूक मजबूर महज है कि अल्लाह के साथ हम रिश्ता हो ही नहीं सकते। अब एक अल्लाह की तारीफ के अल्लाह बेनियाज है और उसे किसी किस्म के वसाइल की इत्तियाज नहीं है, बंदा यह कर सकता है कि अपना ताल्लुक अल्लाह के साथ इस तरह कायम कर ले जिस तरह एक पैदा होने वाला बच्चा अपनी मां के साथ अपना। इन पांच में चार में तो मखलूक मजबूर महज है कि अल्लाह के साथ हम रिश्ता हो ही नहीं सकते। अब एक अल्लाह की तारीफ के अल्लाह बेनियाज है और उसे किसी किस्म के वसाइल की इत्तियाज नहीं है, बंदा यह कर सकता है कि अपना ताल्लुक अल्लाह के साथ इस तरह कायम कर ले जिस तरह एक पैदा होने वाला बच्चा अपनी मां के साथ अपना रابطہ ताल्लुक कायम कर। बच्चे को कुछ पता नहीं कि उसे दूध कहां से मिलेगा, दूध क्या होता है, लेकिन बच्चा मां की गोद में जब चला जाता है तो वह अपने दरोबस्त तमाम जरूरियात की किफालत मां के ऊपर डाल देता है। तो इसी सूरत से अगर बंदा अपनी तमाम जरूरियात का कफील अल्लाह को मान ले तो अल्लाह की यह वाहिद एजेंसी अल्लाह समद कि अल्लाह बेनियाज है, उसका ताल्लुक अल्लाह के साथ कायम हो जाता है। वो इस ताल्लुक को माने या ना माने, ताल्लुक उसका कायम है। मसलन कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता कि मैं अपनी मर्जी से पैदा हो गया हूं, कोई भी इंसान इस बात का दावा नहीं कर सकता कि मां के पेट में जो मेरी नशोनुमा हुई है उसमें मेरा कोई अपना जाति किरदार नहीं, कोई बच्चा इस बात का दावेदार नहीं हो सकता पैदाइश के बाद ये रोज हर रोज मेरा बढ़ना, हर रोज मेरा इर्तका और हर रोज मेरे शऊर में बालिदगी जो है उसमें मेरा अपना कोई जाती दखल है। बच्चा एक निजाम के तहत, अल्लाह के निजाम के तहत, अल्लाह की रहमत के
बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, यहां तक कि वो जवान हो जाता है। जवानी में दाखिल होने के बाद माहौल से, तालीम से, वालदेन से उसे अक्ल व शऊर हासिल होता है, और वो अक्ल व शऊर इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी के लिए वसाइल मुहैया करता है। लेकिन यहां भी ये बात गौरतलब है कि अगर अल्लाह ताला वसाइल पहले से मुहैया ना करें, वो नौजवान बच्चा वसाइल किस तरह इस्तेमाल कर सकता? वसाइल पहले से मौजूद हैं तो वसाइल का इस्तेमाल करता। और दूसरी बात यह कि अगर अल्लाह ताला अक्ल व शऊर ना दे, हैंडीकैप बना दे, तो वसाइल होने के बावजूद वसाइल का इस्तेमाल। तो यहां भी ये बात पूरी तरह रोशन है कि इंसान जो है वो दरोबस्त हर मामले अल्लाह का मोहताज है और अल्लाह ही उसकी तमाम जरूरियात का कफील। तो इस सूरत मुबारक में अल्लाह ताला ने यह फरमाया है कि मखलूक मेरी जाती सिफात, पांच सिफात में से चार सिफात में तो किसी भी तरह उससे हम रिश्ता हो ही नहीं सकते, लेकिन मेरी एक सिफत ऐसी है कि मैं वसाइल पैदा करता हूं लेकिन वसाइल का मोहताज नहीं। चूंकि मैं वसाइल पैदा करता हूं और मखलूक के लिए वसाइल पैदा करता हूं, इसलिए मखलूक मेरी इस बेएहतियाजी, बेएहतियाज होने की सिफत से फायदा उठाते हुए दुनिया से बेएहतियाज होकर अल्लाह के साथ एहतियाज कायम कर सकता। और जब ऐसा हो जाता है तो फिर अल्लाह का और बंदे का रिश्ता कायम। अल्लाह ताला सब जानते हैं, कादिर मुतलक है, खुद ही अल्लाह ताला फरमाया रब्बुल आलमीन है, सबको अल्लाह ताला रोजी देता है। ये हम जो रोजी कमाते हैं मेहनत मजदूरी करते हैं, मेहनत मजदूरी भी जब ही करते हैं जब मेहनत मजदूरी का सिला पहले से मौजूद होता है। हमें रोटी चाहिए, रोटी के लिए पैसे चाहिए, पैसे कमाने के लिए कोई शॉप चाहिए, कोई कारोबार चाहिए, कोई फैक्ट्री चाहिए, फैक्ट्री चलाने के लिए अकल चाहिए, मेहनत चाहिए। ये तमाम अकल, मेहनत, फैक्ट्री, दुकानें वगैरह वगैरह, ये सब उसी वक्त कारामद है जब पहले से वसाइल मौजूद। अगर इंसान की खुर्दनोश का सामान मौजूद ही ना हो, अल्लाह ताला इंसान की खुर्दनोश का सामान पैदा ही ना करे, तो ना कारोबार होगा, ना मुलाजमत होगी, ना कोई दुकान होगी, ना कोई मेहनत होगी, ना कोई मुशक्कत। तो इस सूरह मुबारक में अल्लाह ताला ने मखलूक को बताया है कि मखलूक मेरे साथ रिश्ता कायम करने के, मुझसे करीब होने के एक काम कर सकते कि वो मेरे फैलाए हुए वसाइल को जिंदगी का मकसद ना बनाए, जिंदगी का मकसद मेरी जात को बनाए। जब अल्लाह की जात मकसद बन जाएगी तो वसाइल ऑटोमेटिक आपके ताबे होते। इसलिए कि तजुर्बा यह है कि जब तक आपके अंदर अक्ल व शऊर नहीं होता, जब तक आपकी अपनी इनफरादियत या अपनी जात का जो तमस्सुल है या ये अपनी जात का क्या कहना चाहिए किरदार है वो मुतय्यन नहीं होता, उस वक्त अल्लाह ताला आपको इससे अच्छी रोजी फराहम करता है जब आपकी जात का किरदार होता है। जैसे मैंने अर्ज किया ना, देखिए देखिए बच्चा पैदा हुआ, अल्लाह ताला ने माँ के दिल में मोहब्बत डाल दी, बाप के दिल में मोहब्बत डाल दी, अब बच्चे की सारी जरूरियात की किफालत माँ बाप कर रहे हैं। लेकिन अगर अल्लाह ताला माँ बाप के दिल में मोहब्बत ना डाले तो बच्चे की परवरिश नहीं हो सकती।
अल्लाह ताला माँ बाप के दिल में मोहब्बत भी डाल दे और माँ के सीनों को दूध से ना भर दे, तब भी परवरिश नहीं हो सकती। बाप कहेंगे साहब आजकल तो डिब्बों पे परवरिश हो जाती है, डिब्बों की। वहां भी ये सूरत है कि अगर अल्लाह ताला भेड़ बकरियों में गायों में दूध पैदा ना करे तो दूध का डिब्बा नहीं मिल सकता। तो आपकी परवरिश अल्लाह ताला ने इस तरह की कि उसने आपकी जिंदगी को परवान चढ़ाने के लिए वालदेन को आपका वसीला बना दिया और वालदेन के दिल में मोहब्बत डाल दी। ये सूरत जो है कुरान पाक की जो मैंने आपको पढ़े बोला, हम बहुत पढ़ते हैं, नमाजों में भी पढ़ते हैं, जब इशारे सवाब करते हैं, फातिहा करते हैं जब भी पढ़ते हैं, दम दरूद में भी पढ़ते हैं, इसके पढ़ने का सवाब भी बहुत बताया जाता है। लेकिन आइंदा जब आप इस सूरत को पढ़ें तो ये जरूर ध्यान में रखें कि अल्लाह ताला ने इस सूरत में अपनी जात का तारुफ कराया है और ये बताया है कि अल्लाह ताला की जात से रिश्ता उस्तवार करने के लिए, रिश्ता मजबूत करने के लिए, रिश्ता मुस्तहकम करने के लिए